शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में पानी की अहम भूमिका होती है। मानव शरीर में पानी की मात्रा 50-60% होती है। पानी शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करता है, साथ ही कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। सभी जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए सही मात्रा में पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ दिन भर में 8 गिलास पानी पीना ही अच्छी सेहत के लिए काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आप किस तरह और किस पोजीशन में पानी पीते हैं ये भी अच्छी सेहत के लिए बहुत मायने रखता है। हम में से अधिकतर लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर पानी पीने की आदत आपके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद के मुताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे पेट पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधा इसोफेगस के जरिए प्रेशर के साथ पेट में तेजी से पहुंचता है। इससे पेट और पेट के आसपास की जगह और डाइजेस्टिंग सिस्टम को नुकसान पहुँचता है। इसके साथ खड़े होकर पानी पीने से शरीर को इससे मिलने वाली किसी तरह के पोषक तत्व का फायदा नहीं होता है। खड़े होकर पानी पीने से किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचता है। खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे फूड पाइप और विंड पाइप में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार खड़े होकर पानी पीता है तो उस व्यक्ति को फेफड़े के साथ साथ दिल संबंधी बीमारी होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। और जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स रहते हैं, साथ ही खाना जल्द डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा बैठकर ही पानी पीने की कोशिश करें। इस तरह से पानी का फ्लो धीमा रहेगा और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप किस तरह से पानी पीते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों।